बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुमिना साजिद और मैं हूं तहसीन यूसुफ। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मॉनसून का नया पैच, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट में बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में आज मजीद बारिशों का इम्कान। गुज़िश्ता रोज के बारिश का पानी भी ताहाल सड़कों पर जमा। शहरी कायद में आज शेड्यूल इंटर के इम्तहानात 22 अगस्त तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में शदीद तुगयानी का खदशा। पाकिस्तानी रुपए की कदर मजीद बेहतर, डॉलर की कीमत में कमी। इंटर बैंक में डॉलर 2.41 रुपए सस्ता होकर 220 रुपए से नीचे आ गया। 28 जुलाई से अब तक डॉलर 20 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग काबू में ना आ सकी। फैसलाबाद में 8 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। दही इलाकों में दुरानिया 12 घंटे तक पहुंच चुका। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा है। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग के मुस्तस्ना इलाकों में भी बंदिश मामूल बन चुकी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है, सब बड़ी सियासी जमातों को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। PTI तोड़ने और मेरीना अहली का मंसूबा बन चुका, अब ये मेरी किरदार कशी करने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर खिलाफ कानून था तो सफाई का मौका देना चाहिए था। 4 माह पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाजी ने फौजी क्यादत के खिलाफ कैसे कैसे अलकाबात इस्तेमाल किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड चलाए। क्या शोदाब के खानदान नफरत अंगेज मुहिम को भूल जाएंगे? नियाजी खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, कौम को नहीं। A1 टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।